तो हेलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मु चैन की मॉम के बारे में जिनका की नाम किंग यांगजिंग है और साथ में यहाँ पर हम स्पिरिचुअल पल्स के भी बारे में बात करेंगे बहुत सारे लोगों को इस पर थोड़ा डाउट रहता है तो शुरू करते हैं मुँह चैन की माँ का नाम किन यांगजिंग रहता है और ये काफी बड़े क्लैन से थी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में इनके क्लैन का नाम काफी फेमस है एनशियट बुदूर क्लैन जिसे कि कहीं कहीं पर एनशियट बुद्धा क्लैन भी कहा जाता है और एनशियट बुदूर क्लैन की ये एक जीनियस थी अब किसी बैटल के दौरान जब ये बाहर निकली थी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तो शायद इनका फाइट वगैरह हो गया था उस दौरान ये इंजर्ड थी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिलता है कि किस वजह से इंजर्ड थी और उस दौरान इनका पावर लेवल अर्थनी सॉवरिन पर सप्रेस था वो भी परफेक्ट अर्थनी सॉवरिन और इंजरी के दौरान जब इन पर इंसान अटैक कर रहे तो इनकी मुलाकात मू फेंग से हो जाती है यानी अपने प्यारे मूल के पिताजी दोनों के बीच में प्यार हो जाता है क्यूँकी मू फेंग जब ये इंजर्ड थी हालांकि वो काफी कमजोर थे फिर भी इन्हें उठा करके वहां से ले जाते हैं और उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते और अपना मूल जन्द पैदा होता है अब हालांकि एंसियंट बुदूर क्लैन इनके जो नियम थे काफी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि बाहर के किसी क्लैन से या कम पावरफुल बंदे से आप शादी वगैरह नहीं कर सकते नहीं तो ब्लड लाइन में इम्प्योरिटी आती जिसकी वजह से इन लोगों ने आंटी यांगजिंग को एक ट्रिएटर घोषित कर दिया हालांकि किन यांगजिंग उस समय इतनी पावरफुल थी कि ये क्लैन के खिलाफ विद्रोह कर सकती थी अब क्योंकि क्लैन भी इनका ही था और उन्हें इनसे प्यार था तो ये मुंचैन का आइडेंटिटी छिपाने के लिए खुद ही जाकर के वहां पे सरेंडर कर देते हैं

डिवाइन पल्स कहते हैं पर क्योंकि ये काफी रेयर है तो इसका नाम ज्यादा सुनने को मिलता नहीं अब ह्यूमन पल्स में एक से दो पल्स होते हैं अर्थ फेज में तीन से चार और वही heaven में पांच से लेजेंडरी डिवाइन पल्स में सात से लेकर नौ पल्स हो सकते हैं अब फिलहाल हम जानते हैं की स्परिचुअल पल्स होता क्या है तो अगर किसी बंदे के पास स्पिरिचुअल पल्स है तो उसका जो ट्रेनिंग स्पीड है कल्टीवेशन प्रोग्रेस काफी तेज हो जाएगा और स्पिरिचुअल पल्स के माध्यम से वो बंदा अपने बैटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और जब वो बंदा हेवनली रियल में पहुंच जाता है तो इस पल्स के एक पावर को यूज कर सकता है और अपनी फिजिकल बॉडी को भी काफी कर सकता है है यानी जो बंदे का स्पिरिचुअल पल्स होता है, एक पावर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर में कुछ वैसा ही करता है तो ये तो बात होगी पल्स की और अपनी जो आंटी यांग जिंग थी उनके बॉडी में आठ पल्स तो एक तरह से जीनियस मानी जाती थी आठ पल्स रेयर ऑफ द रियर माना जाता है नाइन पल्स तो रेयर ही मतलब सदियों में शायद एक आधी बार देखने को मिलता है तो इन्होंने अपना पल्स मुंह चैन को दे दिया अब क्योंकि माँ थी नहीं तो नॉर्मली कोई ऐसा करता भी नहीं क्योंकि पल्स की वजह से आपका कल्टिवेशन काफी स्लो हो जाता है तो स्टोरी की शुरुआत में हमने हमें देखने को भी मिला कि मुचेन के बॉडी में इसका इसका पल्स पल्स सील रहता है है वो इसका नहीं था इसकी माँ का है। तो पर पल्स की बात खत्म होती वापस लौटते हम आंटी यांजिंग की तरफ एनजेंट बुद्धा क्लैन वाले आंटी यांजिंग को सील कर देते हैं क्योंकि इनका इरादा ऐसा था इन्हीं के बराबर का एक क्लैन है ग्रेट हाउसेंड वर्ल्ड में जिसका नाम महा क्लैन है वहां का जो सक्सेसर था उससे ये आंटी यांजिंग की शादी कराना चाहते थे ताकि इनका क्लेन और भी ज्यादा शादी कर लिया था आंटी यानि को, को मुंह चेन की जरूरत भी नहीं थी स्टोरी में पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा नहीं तो ये नॉवल के लिए स्पॉयलर हो जाएगा अब यहाँ पर हम बात करेंगे आंटी यानजिंग के पावर लेवल आंटी यानजिंग स्पिरिचुअल पावर तो कल्टिवेट करती ही थी पर स्पिरिचुअल एरे में इनका कोई तोड़ नहीं था इवन मुन भी इनके सामने बच्चा है तो स्पिरिचुअल पावर लेवल में ये हेवेनली सॉवरिन के पीक पर रहती है यानी कि सेंट लेवल सॉवरिन और वही स्पिरिचुअल एरे रैंक में सेंट ग्रेड की ही स्पिरिचुअल एरे एंसेस्टर रहती है तो यहाँ पर आंटी जिंक की स्टोरी खत्म होती है मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में